आज मैंने कुक आलू चना चाट बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी। तो चलें देखते हैं मिलके कि मैंने किस तरीके से ये चना चाट आलू बनाई है कुक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे और जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमाए। तो आज मैं बनाऊंगी अफ्तारी में चना चाट कुकिंग करके। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं कि चना चाट कैसे बनाई जाती है ये। तो एक मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर, नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून। तो अब हम उसके अंदर सबसे पहले चने डालेंगे। 200 ग्राम मैंने चने डाले हैं और 200 ग्राम ही मैंने किडनी बीन डाले हैं। तो अब हम इनको अच्छे से पहले पकाएंगे ताकि जो इनमें पानी है वो ख़त्म हो जाए। मैंने चने और किडनी बीन बॉयल किए हुए थे पहले ही। ये बहुत मज़े की चाट बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई एक दफ़ा करना। तो बस हम इसको अच्छे से 5 मिनट तक कुक करेंगे। चूल्हा मैंने तेज कर लिया थोड़ा सा, पहले मीडियम पे था अब मैंने फुल कर दिया। तो 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया, इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है ज़ीरा, लिया साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और साथ में मैंने लिया है राई। तो राई मैंने 1/2 चम्मच ली है। तो इन सबको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने पहले ही इनको अच्छे से भून के अच्छा सा रोस्ट करके, बिना ऑयल के अच्छा सा रोस्ट किया करके, फिर इनको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था पहले। इसलिए आप भी पहले इसको अच्छे से पहले रोस्ट कर लें, लाल मिर्च को भी कुटी हुई जो है और ज़ीरे को भी, ताकि उसमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और टेस्ट में भी इजाफा करता है इस तरह। तो अब ये हमारा हो गया, अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे, चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। तो अब मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। 2 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने उबॉयल करके क्यूब में काट लिया है। अब इसके अंदर 2 टमाटर मैं लूँगी, उनको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। साथ में 1 प्याज लिया है मैंने, उसको लंबाई में मैंने काट लिया है। उसके बाद हम सब्ज़ मिर्च लेंगे, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैंने लिया है नमक, लिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, और 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची डाल सकते हैं और नमक भी, जितना आप खाते हो। और साथ में मैंने ली है पुदीने की चटनी, पुदीने और धनिए की चटनी है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा ऐड करके इसको पीस लिया था। साथ में मैंने लिया लेमन जूस 1 लिया। तो इसके साथ ही हम इमली का पल्प जो है वो डालेंगे। और साथ हम पुदीना और सब्ज धनिया वो ऐड करेंगे। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हो गई है हमारी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें खट्टा कर सकते हैं, अगर आप लेमन जूस ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहो तो ना करें आप। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली, ये देखिए हमारी कितनी मज़े की बनी है कुक चना आलू चाट। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और रमज़ान के आखिरी अशरे में मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर में हर एक के घर में बरकत डाले। तो दुआ में याद रखना। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।